उत्साह संभ्रम प्रमन्नमिन्द नञ्जनि रोल वीचि वल्लरि विराजमान मुग्ध रक्त रक्त ज्वलल्ललाट कट्ट भावे किशोर चन्द्रशेखरे दिक्विच्छरम्। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से चहचहाते हुए पूछा कि तुम इतना परिश्रम करके शहद बनाती हो और इंसान उसे आकर चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है पर मेरी शहद बनाने की कला कभी नहीं चुरा सकता। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से होकर गुजरती है तो वो और भी खुशबूदार हो जाया करती है। तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुछ साल पहले। आप देख रहे हैं यूपी के कन्नौज जिले में स्थित बाबा गौरी शंकर का ऐतिहासिक और सिद्ध पीठ मंदिर। यहाँ से कोई भक्त निराश होकर नहीं जाता, यहाँ सभी भक्तों की मुरादें पूरी हुआ करती हैं। काफी मान्यताओं वाले इस मंदिर में सावन भर दूर दूर से भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाबा गौरी शंकर प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है जो 1600 वर्ष पुराना है। 6वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। उस समय कन्नौज को कान्यकुब्ज कहा जाता था। ये गौरीमुखी शिवलिंग जमीन से निकला था। राजा हर्षवर्धन ने इस शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए 1000 पुजारी लगा रखे थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर गंगा बहा करती थी। बताया जाता है कि इस शिवलिंग का ना तो आदि है और ना ही अंत। चलिए अंदर का भव्य नजारा दिखाते हैं और बताते हैं कि सोमवार को भक्तों की यहाँ पर खास भीड़ रहा करती है। अमेरिका तक के भक्त बाबा के दरबार में माथा टेकने आते हैं। यहाँ सावन भर मेला लगता है। भाद्रपद में 3 दिन बाबा का भव्य श्रृंगार एवं झांकी सजती है। प्रत्येक सोमवार को अलग अलग महत्व है। बाबा गौरी शंकर मंदिर में शिवलिंग के साथ में माँ गौरी और सूर्य की प्रतिमा विराजमान है। माँ गौरी 7वीं शताब्दी और सूर्य प्रतिमा 9वीं शताब्दी में विराजमान हुई थी। माँ सती के अंग गिरने से इत्र नगरी का ये स्थान सिद्ध पीठों में शुमार है। शहर के पूर्वी छोर में स्थित बाबा गौरी शंकर मंदिर को पौराणिक भाषा में गौरी पीठ भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जहां जहां माता सती के सबके अंग गिरे थे वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई थी। श्रद्धालु गौरी और शंकर दोनों को अर्धनारीश्वर के रूप में देखते हैं। शिव का आधा अंग पुरुष रूप में है जबकि आधा पार्वती स्वरूप में। रामचरितमानस में इसका उल्लेख मिलता है। बाबा गौरी शंकर मंदिर का गौरवशाली इतिहास काफी पुराना है। इस ऐतिहासिक सिद्धपीठ के बारे में कुछ स्थानों पर उल्लेख भी मिलता है। ये मंदिर 1600 वर्ष पुराना है। पतित पावनी गंगा की धारा इस मंदिर को छू कर निकला करती थी, लेकिन कालांतर में गंगा की धारा इस मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर पहुंच गई है। जब बाढ़ आती है तो आज भी गंगा शिवलिंग को छूकर वापस चली जाती है। गौरी शंकर का मंदिर सावन के सोमवार में अद्भुत श्रृंगार किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आया करते हैं। आप लोग परिवार के साथ आकर बाबा के एक बार दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि मुझमें कोई छल नहीं, तेरा कोई कल नहीं, मौत ही गर्भ में जिंदगी के पास हूँ। अंधकार का आकार हूँ, प्रकाश का मैं प्रकार हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा चाहूंगा।
फिर मिलूंगा एक और ऐतिहासिक और दिलचस्प वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।